हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने विश्वनाथ टेंपल का दर्शन कर लिया है, तो आज हम लोग जाएंगे विंध्याचल। तो चलिए विंध्याचल का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग विंध्याचल पहुंच गए गंगा घाट स्नान करने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही गाड़ी बुक करके वहां से निकल गए थे बनारस से विंध्याचल के लिए। नहाना धोना किसी का नहीं हुआ था, तो सोचे थे कि विंध्याचल पहुंच करके ही नहा लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाता सब लोगों का तैयार होना। टोटल हम लोग लगभग 8 लोग थे, इसलिए तो सभी लोग यहाँ पर स्नान करके रेडी हुए और फिर निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाने में बहुत ही ज़्यादा दूरी थी, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने बीच में ही यहाँ पे सारे जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं पूजा की सामग्री, सभी चीज़ें मिल रही थी, तो रास्ते से हम लोगों ने ले लिया। और बहुत दूरी थी, और दूरी ऐसी थी कि मतलब सीधी नहीं थी, घुमाऊ था। मतलब बीचों बीच आपको गलियारा मिलेगा, साइड में पूरा घर है, उस तरह से आपको गली गली घूम घूम करके जाना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ता है। हो सकता है कि हम लोग घाट दूर चले गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग नए गए थे तो कुछ उतना जानकारी नहीं था। तो गाड़ी वाले ने जहाँ पे हम लोगों को छोड़ा वहीं पे हम लोग घाट गए। घाट भी अच्छी दूरी से थी रोड से। फिर हम लोग वहाँ पे मंदिर का दर्शन किए। मंदिर का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था, पर भीड़ बहुत थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ का तो माता का दर्शन भीड़ के वजह से हम लोग ले नहीं पाए। तो हम लोग सारी फैमिली यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मम्मी है, दीदी है, मेरी मामी है, मेरी सासू माँ है, साथ में मेरे दीदी के दो बच्चे हैं, मेरा भाई है और मेरी बहन है। तो बाकी लोग पता नहीं आगे बढ़ गए थे, तो उन लोगों का वीडियो नहीं ले पाए। साथ में हस्बैंड, मेरा बेबी और देवर जी भी गए थे। तो ये रहा मंदिर का मेन गेट, यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं और आप भीड़ देख सकते होंगे, यहीं से लाइन स्टार्ट हो गई थी। और अंदर जा कर के तो मत पूछिए, इतनी लंबी लाइन थी, कुछ कहने का नहीं, कुछ भी शूट नहीं हो पाया इतनी भीड़ में। झट से हमने बैग में डाला अपने फ़ोन को, क्योंकि बार में फ़ोन इधर उधर हो जाता तो सही नहीं था, वो बहुत ही नुकसान हो जाता इसलिए। और फिर हम लोग वापस रिटर्न हो गए बनारस। और बनारस से हमारी ट्रेन समय की थी, तो हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। तो यहाँ देखिए मेरे बेबी का ये सब सैतानी, ये सब खाए बिना तो ये रह नहीं सकती है। और उसके बाद ये अपने मामू से पता नहीं कुछ बोल रही थी, समझ में आ नहीं रहा था, तो वो अपना बात कर रहे थे। और फिर देखिए यहाँ जब उसका खाना पीना हो गया तो बैठ गई अपने पापा का ट्रीटमेंट करने डॉक्टर सेट लेकर। इसको जब देखो तब या तो डॉक्टर सेट लेना होता है या तो किचन सेट लेना होता है, भाई लड़की है तो लड़की का ही चीज़ है। तो यहाँ देखिए अपने पापा का ये ट्रीटमेंट क्या की नीचे वाला और मम्मी का और फिर यहाँ अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि हमारी ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल पड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये भी बोल रही थी मुझे भी बैग दे दो, मैं भी ले करके जाऊँगी, लेकिन मैं छोटी है अभी, बैग कैसे ही हैंडल कर पाती। तो साथ में पापा के साथ ही ये अपना बैग लेके जा रही थी, क्योंकि इस पर इसके ही कपड़े थे। तो विंध्याचल का दर्शन नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कराऊंगी, क्योंकि मुझे फिर से जाना है बनारस और विंध्याचल। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।